हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल मूव करते हुए देखने को मिला, क्योंकि कल है बजट का दिन। और जैसे कि बजट हमने लास्ट दो टर्म एनडीए का जो गवर्नमेंट था उसमें दो टर्म में हमने बजट देखा है कैसा होता है, तो अभी थर्ड टर्म में पहली बार बजट प्रेजेंट होने वाला है, तो बजट के ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी। अगर हम लास्ट दो टर्म के बजट को एनालिसिस करें तो इस बार का भी बजट हमें ज़्यादातर दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि लक्ष्य है एनडीए सरकार का 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाना है। तो डेवलप कंट्री बनाने के पीछे सबसे पहला तो क्या करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का है वो उसे मजबूत अच्छा बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर पे भी जैसे हमने दो टर्म में देखा, हो सकता है इस बार भी डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ हमें बजट में प्लान देखने को मिले। और रही बात किसी एक कैटेगरी को खुश करने की या फिर किसी और के लिए कुछ प्रपोजल या फिर प्रोजेक्ट लाने की, तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। ओवरऑल जो फोकस होगा वो पूरी तरह से भारत के प्रोग्रेस कैसा होगा इसके ऊपर यह बजट डिपेंड करेगा। हालांकि अगर लोगों की, आम लोगों की बात करें तो इनकम टैक्स में कुछ सरप्राइज एलिमेंट हमें बजट में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बजट होगा भारत को तीसरा नंबर, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें तीसरा नंबर हासिल करने के लिए जो जो लगेगा वो बजट में हमें दिखाई देगा। तो ओवरऑल बजट जो होगा वो किसी को लुभाने के लिए नहीं होगा, वो आने वाले भारत को विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें रहेंगी उसके लिए ये फोकस करेगा। तो अभी आज का अगर निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन जो गैप क्रिएट हुआ था वो पूरी तरह से फील हुआ और ऊपर की तरफ गया। ब्रेकआउट लेवल जो हमने मार्क किया था टूटा, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। ये जो ग्रे लाइन है 100 EMA का, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया ब्रेकडाउन लेवल के पास। इसने पहला तो सपोर्ट लेने की कोशिश की, सेकेंड अटेम्प्ट में टूटा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट अचीव हुआ। देख सकते हैं किस तरह से एग्जैक्ट उसी सेकेंड टारगेट के लेवल के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। तो जो हम लेवल्स मार्क करते हैं उसी के आसपास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करता है। तो अभी कल तो जबरदस्त वोलेटिलिटी हो सकती है बजट में, तो कल के लिए अगर हम लेवल्स को मार्क करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा वर्क ना करे, क्योंकि हो सकता है हमें एक काफ़ी ज़बरदस्त स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। अगर कुछ अच्छा मार्केट के लिए आता है तो स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमारा क्या बनेगा। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 24479, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 24457 और सेकेंड टारगेट होगा 24435, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनता है 24541 और फर्स्ट टारगेट होगा ये जो पिंक लाइन है उसके जस्ट नीचे 24559, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 24586, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी के प्रीमियम काफ़ी हाई हो चुके हैं, कल बजट है इसके लिए ये पूरा वीक ऐसा ही होने वाला है। तो अभी बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हो उसी के पास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करता है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था, सुबह ये ज़बरदस्त मूव देखने को मिली, उसके बाद ये फ्लैट पैटर्न देखने को मिला। अभी कल के लिए क्या बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, तो इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। ये रहा 60 मिनट का चार्ट। जैसे कि जो पैटर्न की हमने बात की थी, पिंक लाइन ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काटता है यानी नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, और उसके नीचे जब 100 EMA होता है तब प्राइस में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। आज गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन ये बैंक निफ्टी फिर ऊपर आया, लेकिन ये जो दो हर्डल्स है पिंक लाइन और ब्लू लाइन इसको ये पार नहीं कर पाया। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये अराउंड इस ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर होगा यानी 52375, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 52412 और सेकेंड टारगेट होगा 52461। टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 52224। फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा अराउंड 52177 और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 52126।
तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। काफी चौपी मार्केट चल रहा है, जैसे कि बजट का धीरे धीरे एक एक दिन आ रहा है, उसके पहले हमने देखा काफी चौपी मार्केट है। अभी जैसे ही बजट में कुछ चीजें डिक्लेयर हो सकती है तो उसके बाद हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।